सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जिला हमीरपुर ने अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने सीटू के बैनर तले हमीरपुर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील कर्मी स्कूलों में खाना बनाने और परोसने का काम करते हैं। मिड डे मील कर्मी जो स्कूल के अन्य कर्मचारियों की तरह सारा दिन 9 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करते हैं, पर उन्हें सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, जिसको लेकर मिड डे मील कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। दूसरी तरफ उन्हें सरकार की तरफ से कोई छुट्टियों का प्रावधान भी नहीं है, और अगर छुट्टी कर ली जाती है तो उसका भी वेतन काट लिया जाता है, जिससे मिड डे मील कर्मचारियों का दोहरा शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। धरने के माध्यम से मिड डे मील कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें नियमित करके सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले, उसी के साथ उसमें सालाना बढ़ोतरी भी की जाए और रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान हो। मिड डे मील कर्मचारियों को छुट्टियों का भी प्रावधान किया जाए और उसमें कोई भी उनके वेतन के अंदर कटौती ना हो। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर का काम कर रहा हूँ। हमें 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, 10 महीने की तनख्वाह देते हैं। छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है मिड डे मील का। 6 दिन की छुट्टी करते हैं तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं। 12 महीने की तनख्वाह दी जाए और मल्टीप्लायर में हमें नौकरी दी जाए स्कूलों में मिड डे मील वर्कर का। इस वेले तनख्वाह हमें 2000 रुपये दे रहे हैं। इन्होंने 2300 अभी किसी के खाते में नहीं आया है। आगे की तनख्वाह जो होगी सरकार की तरफ से वो नियुक्ति लागू की जाए। हम 7500 रुपये की मांग कर रहे हैं। इतनी तनख्वाह होनी चाहिए हमारे मिड डे मील कर्मचारियों की जो भी है। धरने में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, सीटू जिला सचिव जोगिंदर कुमार, सीटू जिला सचिव सुरेश राठौर, मिड डे मील कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार, सचिव रतन चंद ने संबोधित किया और सीमा रानी, सुजाता, विद्या देवी, मीरा देवी, बीना देवी, नीता देवी, मीना देवी, मीना कुमारी, कैरो देवी, अंजना कुमारी, सोना कुमारी, नीलम देवी, पिंकी देवी आदि ने भाग लिया। धरने के बाद मिड डे मील कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल सीटू नेताओं की अगुवाई में SDM महोदय से मिला और उनके द्वारा मुख्यमंत्री हिमाचल को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस धरने के माध्यम से सरकार उनकी मांगों और समस्याओं को मंजूर करे, अन्यथा प्रदेश के तमाम मिड डे मील कर्मी लामबंद होकर अपने काम को बंद करके उग्र आंदोलन करेंगे। का जो प्रोटेस्ट है हमारा, ये धरना प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जो सीटू संबंधित है उसका आज राज्य व्यापी आह्वान पर जो है ये धरना प्रदर्शन जो है आज गांधी चौक पर करा गया, जिसमें हमारी मुख्यतः मांगे इन बातों को लेकर है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर जो मिड डे मील कर्मचारी जो है अपनी सेवाएं जो है, जो बच्चों को भोजन मध्यान्ह भोजन दिया जाता है उसमें जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ को लेकर है कि जो सरकार द्वारा तयशुदा न्यूनतम वेतन, जो मासिक न्यूनतम वेतन है 7500 रुपये, वो जो है उनको मिलना चाहिए। अभी हाल ही के दौरान के अंदर जो है बहुत कम वेतन जो है मिड डे मील कर्मचारियों को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उनको किसी भी प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान नहीं है, अगर छुट्टी करते हैं तो उसके अंदर जो है उनके वेतन के अंदर कटौती होती है। तीसरा, अभी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो है एक केस जो है मिड डे मील कर्मचारियों ने करा था, उसके मुताबिक जो है मिड डे मील कर्मचारियों को जो है 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। पहले जो है ना 10 महीनों का वेतन मिलता था, पर अभी उस फैसले को जो है जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको लागू नहीं करा गया है। तो आज का ये जो धरना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है, ताकि जो मिड डे मील कर्मचारियों की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको जो है निराकार करे सरकार। दूसरा, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मांग ये है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मल्टीटास्क वर्कर्स के अंदर जो है नियुक्ति होनी है, स्कूलों के अंदर नियुक्ति होनी है, उसके अंदर जो है जो मिड डे मील कर्मचारियों को जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए उनके अंदर। और इसके साथ साथ जो है जो मिड डे मील कर्मचारी सैकड़ों की तादाद के अंदर स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जो है सरकार स्थायी कर्मचारी नियुक्त करे और उनको जो है उसी की तर्ज पर जिस तरीके से स्कूलों के अंदर अन्य कर्मचारी है उनके भांति जो है उनके वेतन भत्ते और छुट्टियों का प्रावधान सरकार उन चीज़ों के अंदर करें। और हमारी ये मांग है इस धरने के माध्यम से, अभी ये सिर्फ एक टोकन धरना है, आने वाले समय के अंदर मिड डे मील कर्मचारियों को की मांगों के ऊपर अगर सरकार गौर नहीं करती है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर
सैकड़ों की तादाद के अंदर जो मिड डे मील कर्मचारी भोजन बनाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको लामबंद करके सरकार के खिलाफ जो है आने वाले समय के अंदर एक उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।